हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। वैसे थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। आप YouTube पर सर्च करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ब्यूटीफुल पेंड्राइव बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोज आपको YouTube पे अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो वीडियो सिर्फ मैकबुक प्रो के लिए रहेगा। मैकबुक प्रो के अंदर जैसे महावे शीरा हाई शीरा जो सॉफ्टवेयर है वो आप डालना चाहते हो, जैसे विंडोज़ के अंदर विंडोज़ करप्ट हो जाता है या विंडो उड़ जाता है, उस समय के अंदर हम लोग उसके अंदर विंडो है वो अपग्रेड करते हैं या विंडो चढ़ाते हैं। वैसे ही अपने एप्पल के लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी उनका जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो जाता है या उड़ जाता है, या हम लोग SSD अपग्रेड करते हैं उस समय हम लोग हाई सीरा महावे या ये सब सारे जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर कैसे डालेंगे, वो सारा का सारा मैं आपको स्टेप बाई स्टेप वो बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको एक पेन ड्राइव चाहिए जिसको हम लोग क्या है ब्यूटीफुल बना सकें, जिससे क्या है आपने मैकबुक में, जैसे मैंने एक मैकबुक ले रखा है आपको दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख रहे हो कि मैकबुक शीरा वर्जन दे रखा है, ये वाला वर्जन आप गूगल पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, वरना आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से भी है वो आप डायरेक्ट वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि हम लोग एक पेन ड्राइव को ब्यूटीफुल कैसे करेंगे, ISO पेन ड्राइव को। तो पेन ड्राइव को ब्यूटीफुल करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपके पास लैपटॉप एप्पल का है या एप्पल के लैपटॉप में पूरा करप्ट हो चुका है तो हम लोग विंडोज से भी इस पेन ड्राइव को है वो ISO के अंदर ब्यूटीफुल कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए मैं आपको विंडो के अंदर है वो ब्यूटीफुल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एप्पल के लैपटॉप के अंदर ही पेन ड्राइव को ब्यूटीफुल करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग विंडोज सिस्टम से ही जो एप्पल का जो ISO वर्जन है उसको हम ब्यूटीफुल करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों हाँ, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको पेन ड्राइव है वो अपने जो लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव है वो इंस्टॉल करना है। तो मैंने पेन ड्राइव है वो अपने लैपटॉप के अंदर वो डाल दिया है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है जो बेलेना, तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सिंपली है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली है वो डाउनलोड कर सकते हो। इससे हम लोग क्या करें, पेन ड्राइव है उसको प्लेस करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसको ओपन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बने रहिए, बीच में वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको वो वीडियो के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी और आपका पेन ड्राइव वो ब्यूटीफुल नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को वो स्टेप बाय स्टेप देखें। अब सिंपली आपको क्या करें, फ्लैश करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है। तो जैसे देखो मैंने हाई सीरा है वो सिलेक्ट कर रखा है, तो इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ पे ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा, फिर यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करना है, तो जो मैंने पेन ड्राइव डाला हुआ है उसको मैंने टारगेट अब वो सेलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद में इसको सिंपली वो फ्लैश कर दूंगा। उसके बाद आपको यस का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको सिंपली यस कर देना है और ये पेन ड्राइव है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम के बाद में जैसे ही आपका पेन ड्राइव वो ब्यूटीफुल हो जाएगा, उसके बाद हम आपको लैपटॉप पे भी वो चेक कराने वाले हैं। तो देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन आप पूरा का पूरा है वो ISO पेन ड्राइव को ब्यूटीफुल करना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लगभग ये होने वाला है, यहाँ पे आपको स्किप कर लेना है। स्किप कर दिया मैंने, तो आपका पेन ड्राइव वो प्रॉपर ब्यूटीफुल हो चुका है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, विंडोज के अंदर है ये फॉर्मेट का ऑप्शन मांगेगा, तो ध्यान रहे आपको फॉर्मेट नहीं करना है। तो ये मैंने पेन ड्राइव निकाल लिया, अब मैं पेन ड्राइव वो अपना वापस से वो हट लगा रहा हूँ अपने PC के अंदर। तो सिंपली आप देख रहे हो ये फॉर्मेट मांग रहा है, आपको फॉर्मेट नहीं करना है क्योंकि ये ISO के अंदर है वो ब्यूटीफुल हुआ है। तो अपने जैसे ही अपने मैप के अंदर इसको ऑप्शन वाले बटन के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो ये पेन ड्राइव वो प्रॉपर है वो रन करेगा। तो चलिए अब मैकबुक पे चलते हैं और आपको पेन ड्राइव लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो पेन ड्राइव है वो ISO के लिए वो ब्यूटीफुल हो चुका है। तो सिंपली अपने जो विंडोज के सिस्टम यूज करते हैं उनके लिए, जैसे विंडो 10 विंडो 7 वैसे सिस्टम होता है, इनके लिए भी वैसे सिस्टम होता है, हाई सीरा महावे सीरा ऐसे वर्जन होते हैं इनके भी। तो अब ये पेन ड्राइव है वो ब्यूटीफुल हो चुका है ISO के अंदर। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप के जेक के अंदर है वो अपने पेन ड्राइव को वो इंस्टॉल है वो कर देना है।
अब सिंपली पावर ऑन का बटन ऑन करना है और जैसे ही ऑन करो तो ऑप्शन वाला बटन है वो दबा के रखना है। ध्यान रहे ऑप्शन वाला बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको प्रेस करके रखना है। तो दोस्तों ऑप्शन वाले बटन से दबाओगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपके सामने कुछ ऐसा है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए पेन ड्राइव ब्यूटेबल हो चुका है। और कभी कभी वहाँ लैपटॉप के अंदर ऑप्शन बटन के साथ में आपको कमांड बटन भी दबाना पड़ता है, वो डिपेंड करता है आपके मॉडल पे। तो दोनों बटन भी दबाने पड़ सकते हैं, ऑप्शन वाला भी बटन दबाना पड़ सकता है। तो आपको सिंपली आप क्या करना है, अपना पेन ड्राइव डिस्प्ले के अंदर दिखा रहा हूँ आपको, आपको सिंपली क्या करना है अपना पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल पे वो क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ही नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपका जो लैपटॉप के अंदर जो ISO सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपली आप इस तरीके से वो अपने लैपटॉप के अंदर है वो ISO जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली इजी तरीके से। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखिए, आपका जो भी कोई दिक्कत होगी तो वो उसको मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरे लेवल पे उसको सॉल्यूशन करने की। तो सिंपली आप इस तरीके से वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से वो इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम आपकी जो यूटिलिटी डिस्क है या आपने जो SSD इंस्टॉल किया है उसके अंदर जो सिस्टम है वो एक बार आपको फॉर्मेट जरूर कर लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं है, एकदम इजी तरीके से आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपने विंडोज़ किया है तो इसको भी आप इजीली वो इंस्टॉल कर सकते हो।